इस चुनाव में बहुत चालाकी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर जनता की मांगों को भटका दिया है और सारा मुद्दा चार सौ पार पर ला खड़ा किया है बीजेपी भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी हुई है इससे पहले वो मोदी की गारंटी को मुख्य मुद्दा बनाना चाहती थी लेकिन 15 लाख रुपये दो करोड़ डश रोजगार महंगाई जैसे पुरानी गांडटी को जब लोगों ने याद दिलाना शुरू किया तो वह इस मुख्य चुनावी मुद्दे की जगह भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया उनका मुख्य नारा है वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ इस नारे के साथ केजरीवाल राहुल गांधी ममता बनर्जी अखिलेश यादव का स्केच किया हुआ चित्र लगा हुआ है नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि स्विस बैंक से काला धन लाएंगे जिससे कि भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में पन्द्रह लाख रुपये आ सकते हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सर्विस में ईमानदारी से टैक्स देने वाले लोगों को छूट देंगे हम जानते हैं कि न तो स्विस बैंक से कोई पैसा आया और न ही लोगों के खाते में पंद्रह लाख रुपए आए और न ही टैक्सपेयर को कोई गुणात्मक राहत मिल पाई 2015 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान सेवेंटी था जो 2023 में नाइनटी स्थान हो गया है यानी भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है जिसका एक परिणाम है स्वतंत्र प्रेस पर हमला ताकि कोई भी भ्रष्टाचार को उजागर करने में डरे नोटबंदी के बाद साल 2022 में स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा चौदह सालों के रिकॉर्ड स्तर तक बढ़कर 3.38 बिलियन स्विस फ़्रैंक हो गया नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह केवल कालेधन को सफ़ेद करने का एक तरीका था नोटबंदी से देश का जीडीपी नीचे गया और उसके बाद भ्रष्टाचार सूचकांक में भी भारत के स्थान में बढ़ोत्तरी देखी गई मोदी सरकार पर पहला आरोप 2015 में लगा जब जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे नड्डा ने यूपीए 2 के समय मई दो से नवंबर दो एम्स में हुए सात करोड़ ईडीएच रुपये के घोटाले में हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी विनीत चौधरी को दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा देकर क्लीन चिट दे दी विनीत चौधरी के साथ जेपी नड्डा की पुराना परिचय रहा है हिमाचल में जब जेटपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय विनीत चौधरी हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सचिव थे एम्स के मुख्य सतर्कता आयुक्त संजीव चतुर्वेदी ने विनीत चौधरी और एस आनंद द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं की जांच शुरू की जिनके रिपोर्ट में एम्स के विकास के लिए दिए गए धन के दुरुपयोग के लिए दो शीर्ष अधिकारियों के बीच सांठ को उजगार किया गया संजीव चतुर्वेदी की रिपोर्ट के आधार पर उस समय के स्वास्थ्य मंत्री गुलाब नबी आजाद ने जनवरी 2014 में सीबीआई के विनीत चौधरी और बीएस आनंद के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा मोदी सरकार ने जिन लोगों पर आरोप लगाए वे कुछ दिन बाद एनडीए गठबंधन में आ गए या बीजेपी पार्टी के सदस्य बन गए जिसमें प्रमुख नाम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में अजीत पवार हों या आदर्श घोटाला के अशोक चौहान एक उप मुख्यमंत्री तो दूसरे राज्यसभा सांसद बनाए जा चुके हैं इसी तरह के बीजेपी में शामिल होने वाले अनगिनत नाम मिल जाएंगे स्वेंदु अधिकारी से लेकर हिमंत विश्वा शर्मा तक जिनको मुख्यमंत्री तक बीजेपी ने बनाया है भाजपा का भ्रष्टाचार यहीं तक नहीं रुकता है प्रधानमंत्री द्वारा खुद जिन योजनाओं को बहुत जोर शोर से प्रचारित किया गया उसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिला है जैसे कि आयुष्मान भारत योजना जिसका ढोल स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा बहुत पीटा गया है इसमें कैग ने सितंबर 2018 से मार्च 2021 तक का मूल्यांकन किया है जिसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं इस तरह के घोटाले का कौन जवाबदेह है संसद भवन से पांच किलोमीटर और सुप्रीम कोर्ट से 500 मीटर दूरी पर बना 777 करोड़ के टनल का उद्घाटन 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इस टनल के उद्घाटन में प्रधानमंत्री प्लास्टिक बोतल उठाते हुए दिखे थे यानी उनका संदेश था कि देश स्वच्छ हो अठारह माह में ही ये टनल बदहाल स्थित में हो गई पहली बारिश में ही इसमें जल जमाव हो गया तो हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रगति मैदान टनल मरम्मत से परे है इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है यह संरचना यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है इस तरह के भ्रष्टाचार की सफाई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए बल्कि कहा जाए तो उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार होने लगा इस बात का संकेत अपने इंटरव्यू में भूतपूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी दे चुके हैं मोदी सरकार के दस साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार कम नहीं होना और दोबारा भ्रष्टाचार के नाम पर वोट मांगना यह छलावा के अलावा कुछ नहीं है विपक्ष लोकतंत्र बचाने के नाम पर वोट मांग रहा है इकतीस मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ के नाम पर इंडिया गठबंधन की रैली हुई भारत की आज़ादी के बाद लोकतंत्र का स्वाद आम जनमानस वोट देने तक ही रहा है वह भी आधे अधूरे तरीके से भारत में जब कोई आम आदमी किसी दफ्तर या थाने में अपनी समस्याओं को लेकर जाता है तो उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता है ट्रेनों में जनरल बोगी की भीड़ शौचालय के अंदर तक बैठने का ही अधिकार यह लोकतंत्र आज तक उनको दे पाया है मजदूरी के बाद उनको पूरा पैसा मिल जाए वह इसी को लोकतंत्र समझता है राइट टू एजुकेशन के तहत चौदह साल तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य है लेकिन आज भी उन गरीब बच्चों को दिल्ली के अंदर दाखिला नहीं मिल पाता जिसके आधार कार्ड दिल्ली के बाहर के हैं आमजन का लोकतंत्र आज भी पिंजड़े में बंद है आज तक लोकतंत्र के नाम पर उनके पीठ पर तंत्र के डंडे ही पड़ते रहे हैं आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी पहली पीढ़ी स्कूलों तक जाने के लिए सोच रही है उच्च शिक्षा की महंगी होती फीस और अच्छा इलाज तो मध्यम वर्ग के लिए भी आने वाले समय में सपनों जैसा लगने लगा है प्रगतिशील और मध्यम वर्ग का एक तबका चुनावी बांड पर हुए खुलासे को लेकर खुश है जिसको मोदी जी टीवी को दिए एक साक्षात्कार में नाचना कहते हैं उनका यह मानना है कि जनता की नजरों में मोदी सरकार भ्रष्ट हो चुकी है वह यह भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार पूंजीवाद एक ही सिक्के दो पहलू हैं पूंजीवाद में भ्रष्टाचार होना तय है उसका रूप अलग अलग हो सकता है सबसे बद्धा भ्रष्टाचार श्रम की चोरी है जिससे पूंजी दिन दूना रात चौगुनी इकट्ठा की जाती है और जिसके बल पर भारत के पूंजीपति दुनिया के दस स्थानों में अपना स्थान बनाने में कामयाब हो चुके हैं इस भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने के लिए मोदी श्रम कोड ला रहे हैं जिस पर देशभक्ति का तर्ज का एनआर नारायण मूर्ति जैसे पूंजीपति लगा रहे हैं श्रमिकों को कह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हफ्ते में सत्तर घंटे काम करें नारायण मूर्ति अपने चार माह के पोते को दो करोड़ बीस रुपये का शेयर गिफ्ट करते हैं चुनावी बांड जिन कंपनियों ने खरीदा है उनमें अधिकतर भ्रष्टाचारी हैं भारत की जनता से भ्रष्टाचार करके कमाई हुई संपत्ति में से पांच दस प्रतिशत इन चुनावबाज पार्टियों को दे दिया है जिसमें ज्यादा पैसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है चंदे के धंडे में सभी पार्टियां शामिल हैं इस चुनाव में बहुत चालाकी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर जनता की मांगों को भटका दिया है और सारा मुद्दा चार पार पर ला खड़ा किया है लंबे समय से जो किसान संगठन एमएसपी की मांग रहे हैं और उसके लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उसको भाजपा और आरएसएस मिलकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं 15-17 मार्च 2024 के आरएसएस ने नागपुर की अपनी बैठक में किसान आंदोलन पर कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आरजकता फैलाने की कोशिश हो रही है ज़रूरत है जनता को चेतनशील होकर रोजगार महंगाई महंगी होती शिक्षा स्वास्थ्य आवास और मजदूरों किसानों की सामाजिक सुरक्षा उचित मजदूरी और फसलों की मांग को उठाना चाहिए इन सभी मुद्दों में मोदी सरकार फेल हो चुकी है उनके आने के बाद शिक्षा स्वास्थ्य महंगा हुआ है गैरकानूनी कहकर देश भर में लाखों घरों को तोड़ डाट दिया गया है कोरोना काल के बाद से फैक्ट्री एक्सीडेंट बढ़ गया है चुनाव घोषणा होने के बाद से देश भर में कई बड्ढे बड्ढे फैक्ट्री एक्सीडेंट हुआ है जिसमें सैकद्द दो मजदूरों की जाने गई हैं सात से अधिक किसान आंदोलन करते हुए अपनी जान की आहुति दे चुके हैं नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है अग्निवीर जैसी योजनाओं ने गरीब परिवार के नौजवानों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है इन सबका स्थायी हल तब निकलेगा जब पूंजीवादी शोषण का ख़ात्मा होगा